दरभंगा जिला में दरभंगा पुलिस के द्वारा विभिन्न मामले में कुल 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं वाहन जांच एवं समन की राशि 59,500 रुपये वसूल की गई है। बता दें कि दरभंगा पुलिस के द्वारा यह बड़ी कार्रवाई की गई है और दरभंगा एसएसपी अवकाश कुमार के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। 3 दिसंबर को दरभंगा शहर के दोनार में गुमती के पास दो अज्ञात अपराध कर्मी के द्वारा आलोक कुमार को चाकू का भय दिखा करके आईफोन छीन लिया, जिसमें कोतवाली ओपी में मामला दर्ज किया गया, जहां कठरिया निवासी मोहम्मद उर्फ मुस्तफा उर्फ टिबिया और मुरारी पोद्दार पिता जयराम पोद्दार घनश्यामपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। दरभंगा के दर्जनों लोग ने दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया, वहीं मिथिला राज की मांग की। बता दें कि इस दौरान फिल्म अभिनेता अंजनी कुमार भी पहुंचे थे, जहां उन्होंने मिथिला राज की मांग की। बता दें कि अंजनी कुमार दरभंगा के ही रहने वाले हैं, जो विभिन्न फिल्म में काम किए हैं और इस दौरान दिल्ली में अपने मिथिला राज की मांग को लेकर के पहुंचे थे, जहां जंतर मंतर पर पहुंच करके उन्होंने मिथिला राज की मांग की। जनसुराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने दरभंगा जिले के हनुमान नगर प्रखंड के फुलबरिया गांव में प्रेस वार्ता की। इस दौरान प्रशांत किशोर ने कहा कि महाराष्ट्र के बाद भारत में सिंचाई की लंबित योजनाएँ बिहार में हैं। मधुबनी और दरभंगा में कई ऐसी योजनाएँ हैं जो 50 वर्षों से चलती आ रही है, न उसे कभी पूरा किया जाता है न बंद किया जाता है। ये परमानेंट कमाने का उपाय है। दूसरा, बांध की जहां पर बात है, गांव के लोग बताते हैं कि लोग पैसा देकर बांध तुड़वाते हैं, बांध टूटेगा तो पैसा आएगा। जल को हम रिसोर्स की तरह नहीं देखते, हम ये नहीं देखते कि पानी हमारी ताकत हो सकती है, हम इसे अभिशाप की तरह देखते हैं, जबकि पानी बिहार की सबसे बड़ी ताकत हो सकती है। मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के BDS प्रथम सत्र 2022-26 एवं BDS द्वितीय 2021 से 2025 का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया है। सभी परीक्षार्थी उत्तीर्ण हैं। दरभंगा DMCH में सरिता देवी नामक एक महिला का पोस्टमार्टम के लिए लाया गया, जहां महिला के परिजनों ने बताया कि कंसी निवासी है, यह इनके 3 बच्चे हैं और पति के नाम रघुवीर सहनी है, जो पटना में राजमिस्त्री का काम करता है। एक दिन पहले घर से निकली थी और गायब हो गई, लेकिन आज इसका शव बरामद हुआ है तालाब के किनारे। हत्या की आशंका जताया जा रहा है। परिजन शंकर सहनी ने इसकी जानकारी दी है मीडिया को। दरभंगा MLSM कॉलेज में मिथिला स्टूडेंट यूनियन MSU के द्वारा कॉलेज अध्यक्ष बिट्टू ठाकुर की अध्यक्षता में कॉलेज इकाई का बैठक कॉलेज परिसर में आयोजित की गई, जिसमें बैठक में संगठन के विश्वविद्यालय संयोजक अमन सक्सेना, पूर्व जिलाध्यक्ष अभिषेक कुमार झा, जिला कॉलेज प्रभारी अविनाश चौधरी और अमन पांडे उपस्थित रहे। इस बार हनुमान नगर के रामपुर डी में पहुंचे प्रशांत किशोर के टीम, किया लोगों से संपर्क, युवाओं को किया संबोधित। संपत्ति विवाद को लेकर के एक पूर्व सैनिक ने अपने ही चचेरे भाई को गोली मार दिया। लहूलुहान घायल युवक को रेफर करने के बाद परिजनों ने DMCH इमरजेंसी दरभंगा में भर्ती कराया है। घटना सोमवार को जयनगर थाना क्षेत्र के कोरहैया गांव में हुई, जबकि घायल इसी गांव निवासी अमरेश सिंह का पुत्र केशव कुमार सिंह बताया जाता है। मामा DN सिंह ने बताया कि मेरे भांजा केशव का अपने चचेरे भाई सेवानिवृत्त सैनिक आशुतोष सिंह के साथ पुश्तैनी संपत्ति को लेकर के वर्षों से विवाद चल रहा था। आयसा जिला कमेटी के बैनर तले शिक्षक कर्मियों के मान सम्मान का हनन, विद्यालय शिक्षक पारंपरिक
त्यौहार की छुट्टी समाप्त करने, मानसिक तनाव डालने के खिलाफ राज्यव्यापी प्रतिवाद मार्च निकाला गया। प्रतिवाद मार्च मिथिला यूनिवर्सिटी कैंपस से निकालकर और सभी कैंपस में घूमते हुए पुनः सभा में तब्दील हो गया, जिसकी दरभंगा जिला के हायाघाट में हायाघाट महोत्सव अंतर्गत स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हायाघाट पर किया गया, जहां अपने इच्छा से कई लोगों ने रक्तदान किया। वहीं हायाघाट थाना अध्यक्ष, स्वास्थ्य प्रभारी सहित कई गणमान्य लोग भी इस दौरान उपस्थित रहे। मनीगाछी थाना क्षेत्र के बघात चौक पर सड़क किनारे खड़ा एक बाइक सवार ट्रैक्टर की चपेट में आ गया। स्थानीय PHC से रेफर करने पर DMCH इमरजेंसी में भर्ती कराया। घायल बघात गांव निवासी जीवछ यादव का पुत्र रविंद्र कुमार यादव 28 वर्षीय बताया जाता है। परिजन राम उद्गार यादव ने बताया कि देर शाम घर से रविंद्र के साथ बाइक के जरिए गांव में घूम रहा था, जहां इसी दौरान रविंद्र बाइक को सड़क किनारे खड़ा कर बैठा था, तभी एक ट्रैक्टर पीछे से ठोकर मार दिया, जिसके चलते रविंद्र का पैर टूट गया और सर सहित पूरा चेहरा जख्मी हो गया है। उन्होंने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही मनीगाछी थाना पहुंचे, जहां DMCH में पूछताछ की जा रही है।